वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइज। और आज हम बात करने वाले हैं माइनर, जो लोग माइनर है जिनकी एज 18 से कम है, 15 से कम है, उनका पासपोर्ट बनवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, वीडियो छोटा ही रहेगा और पूरा डेप में मैं आपको बता दूंगा कि भाई कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, ताकि आपके माइंड से जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। बेसिकली अभी मुझे बहुत सारा कमेंट्स आया था, दैट्स व्हाई मैं ये टॉपिक को चूज किया हूं वीडियो बनाने के लिए। तो देखो, जो माइनर होते हैं ना, अब देखो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होती है, उनके पेरेंट्स के पास होती है। तो माइनर है तो उनके पास बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट होंगे नहीं। जब बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो किसका डॉक्यूमेंट लगेगा? पेरेंट्स का। अब बात करते हैं कि जो लोग माइनर हैं उनका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो देखो, जो माइनर है उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा एंड आधार कार्ड, उनका बस दो डॉक्यूमेंट लगेगा। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं वीडियो को खींचूंगा, मैं साफ सा बता रहा हूं आपको कि भाई बस दो डॉक्यूमेंट, अगर आप माइनर हो या फिर आपके बच्चे माइनर है तो उनका दो डॉक्यूमेंट लगेगा, एक तो आधार कार्ड और एक तो उनका जो लगेगा जन्म प्रमाण पत्र। और जो बहुत ही ज्यादा छोटे बच्चे जैसे एक साल हो गए या फिर उससे छोटे हैं तो उनका तो आधार कार्ड भी नहीं होगा, क्योंकि वो आधार कार्ड बनाने के लिए भी पेरेंट्स का वहां पर लगता है। तो उस कंडीशन में उनका आधार कार्ड भी नहीं लगेगा, उस कंडीशन में उनका जो है बस बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। आपको पता है जब छोटा बच्चा बहुत ज्यादा है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट तो होगा ही, बस उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, बाकी के डॉक्यूमेंट्स उनके पेरेंट्स के लगेंगे। जैसे कि अगर आप अपने छोटे बच्चे का पासपोर्ट बनवा रहे हो तो बेसिकली आपका खुद का भी पासपोर्ट होगा, अदरवाइज आप क्यों अप्लाई करोगे। तो आप अपना खुद का पासपोर्ट लगा सकते हो, लेकिन अगर आप खुद भी साथ में अप्लाई कर रहे हो, अपने छोटे बच्चे के साथ आप अपना भी पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो, तो उस कंडीशन में तो आपके पास भी पासपोर्ट नहीं है ना, वही मतलब पेरेंट्स के पास पासपोर्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में आप ये कर सकते हो कि आपके पास जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो वो अपने बच्चे का डॉक्यूमेंट वहां पर मतलब उसके डॉक्यूमेंट के साथ आप अटैच कर सकते हो, क्योंकि जब वेरिफिकेशन होगा तो आपको खुद जाओगे अपने बच्चों को लेके। क्योंकि देखो, जो माइनर होते हैं उनके साथ में गार्जियन जरूर जाते हैं, पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो या पासपोर्ट पुलिस वेरिफिकेशन हो, हर जगह जाते हैं। तो कोई डॉक्यूमेंट भाई टेंशन ना लो, अगर छोटे बच्चे हैं आपके, मतलब आपके आप अगर पेरेंट्स हो और आपके बच्चे छोटे हैं तो मैंने बता दिया भाई आधार कार्ड लगेगा और या बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा। अगर बच्चे बहुत ज्यादा छोटे हैं तो आधार कार्ड की भी जरूरत नहीं, बस पेरेंट्स का जो है आप लगा दो, आधार कार्ड लगा दो, पैन कार्ड लगा दो, दैट्स इट, और कोई डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। बाकी जो भी लगेगा, जो भी अपडेट होता रहेगा, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है? तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि भाई माइनर जो है उनका डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगा। तो बेसिकली मैंने डॉक्यूमेंट बता दिया। देखो, अगर आप जो पासपोर्ट बनाने के टाइम पर अपना डॉक्यूमेंट लगाए थे ना, वही सब लगा देना भाई, मतलब ज्यादा नहीं। आधार कार्ड के साथ एक या दो डॉक्यूमेंट आपको हो सकता है और एक्स्ट्रा एक्सटर्नल लगाना पड़े तो वो लगा देना, आपके बच्चे का डॉक्यूमेंट बन जाएगा। तो चलिए, अभी और भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस चैनल पर दिया जाता है। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ।